हेलो फ्रेंड्स, इन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वी टॉक दैट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है वो हम बात कर चुके हैं कि यह दिन में होता है, और जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना के अंदर होती है, हिल रिएक्शन कहते हैं इसको, फोटोफिजिकल स्टेट कहते हैं इसको, फोटोकेमिकल अवस्था भी कहते हैं। लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों को कैसे मालूम पड़ा कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है, पहले मैं वो चीज़ आपको समझाता हूँ। तो वारबर्ग एक व्यक्ति था, उन्होंने क्लोरेला नामक शैवाल के ऊपर कार्य किया, और उन्होंने दो क्लोरेला ली, क्लोरेला वन एंड क्लोरेला टू। इस क्लोरेला के ऊपर तो उन्होंने लगातार लाइट डाली, और दूसरे क्लोरेला के ऊपर उन्होंने रुक रुक कर लाइट डाली। तब आप बताओ किसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक हुआ होगा? तो आंसर हुआ क्लोरोफिल टू में। आपने बोला सर यहां तो लगातार लाइट दी थी और यहां रुका, कभी प्रकाश कभी अंधकार, कभी प्रकाश कभी अंधकार, यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो थी वो ज्यादा निकली। इससे उन साइंटिस्ट लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। वन इज योर लाइट रिएक्शन, नदर वन इज योर डार्क रिएक्शन। ओके, अब लाइट रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं? तो पहला स्टेप कौन सा है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जल का प्रकाशीय अपघटन। जल का जो है प्रकाशीय अपघटन होता है, और सिंपल भाषा में तो हम यूं लिख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल जो जल के होते हैं वह लाइट की प्रेजेंस में, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देते हैं। हम कहते हैं कि 6-12 वाटर मॉलिक्यूल लिए थे हमने, याद करो, चल रहा है, 12 वाटर मॉलिक्यूल लिए थे, ठीक है, और दो वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला, तो 12 से कितने निकलेंगे? 6, जो हमने इक्वेशन में बताया था, इट मींस इट इज राइट। दूसरी बात, ये किसने कहा था कि दो वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है? इट वॉज बाय क्लूवियर। क्लूवियर ने कहा था, पहली बार। वॉन नील ने सबसे पहले बताया कि वाटर से ऑक्सीजन निकलती है। फिर तीन बंदे आए, रूबन, कामन
एंड रशीद, उन्होंने क्या किया कि 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये इक्वेशन थी। उन्होंने जल में O18 ऑक्सीजन का 18 जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आइसोटोप, वो लेकर प्रयोग किया। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाती ग्लूकोज में तो हम कहते कि भाई साहब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जल से आती है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये ऑक्सीजन यहाँ निकली ऑक्सीजन के पास में, जल की ऑक्सीजन मुक्त ऑक्सीजन के अंदर देखने को मिली। रेडियोएक्टिव आइसोटोप O18 का उपयोग करके रूबन कामन और राशिद ने यह प्रयोग किया था, और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पृथ्वी पर जीवन दायिनी गैस है उसका स्रोत, उसका सोर्स कौन है? ऑक्सीजन। ओके, अब लाइट रिएक्शन के अंदर दो तरह के सिस्टम्स काम में आएंगे, एक PS1 काम में आएगा, एक PS2 काम में आएगा। प्रत्येक सिस्टम को चलाने के लिए 4 लाइट क्वांटा की आवश्यकता होती है, इसको भी 4 चाहिए, 4 क्वांटा की, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 लाइट क्वांटा। लाइट रिएक्शन में दो छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज हैं, यूं मान लो एक PS1 है और एक PS2 है, इसको भी 4 लाइट क्वांटा चाहिए, इसको भी 4, लेकिन दोनों साथ साथ चलती हैं, तो 4 इधर और 4 इधर मिला के कितने लाइट क्वांटा हो गए? 8। 8 लाइट क्वांटा से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड, यानी कि क्वांटम उत्पादन कहते हैं। तो यदि एक लाइट क्वांटा से अगर हम देखें तो कितनी ऑक्सीजन निकलेगी? 1/8, इसको बोलते हैं क्वांटम प्रोडक्शन, क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं, क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल जो है प्रकाश और इन आयनों की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा। अभी दूसरा स्टेप, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2। ये हाइड्रोजन निकली, मैंने कहा भाई तू कहाँ काम में आएगी? कि सर मैं NADP को NADPH2 में बदल दूंगी। एक NADPH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर होता है। इस NADPH2 को ट्राइफॉस्फो पायरिडिन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसी NADPH2 को कोएंजाइम 2B कहते हैं। ये दो स्टेप हो गए बेटा हमारे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP2O NADPH2। अब जो तीसरा स्टेप है वह क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा स्टेप आपका जो है
वो है फोटो फॉस्फो राइलेशन, यानी कि प्रकाश फॉस्फेटी करण। ओके, फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उच्च ऊर्जा युक्त अणुओं के निर्माण को हम प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहते हैं। अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में बन रहे तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, और श्वसन के अंदर अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव, वहां ऑक्सीजन से ऊर्जा मिलती है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन की धारणा जो थी, इट वॉज गिवन बाय आर्नन। आर्नन ने फॉस्फोराइलेशन की धारणा दी थी। अब ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, यह दो प्रकार का होता है, और इस फॉस्फोरिलेशन को चलाने के लिए दो प्रकार के सिस्टम, या प्रकाश तंत्र, या पिगमेंट सिस्टम, या फोटो सिस्टम की आवश्यकता होती है। वो दो फोटो सिस्टम कौन कौन से हैं? तो टू फोटो सिस्टम्स, एक कहलाता है PS1, इसको हम P700 से भी प्रदर्शित करते हैं, और एक कहलाता है PS2, जिसे हम लोग P680 से प्रदर्शित करते हैं। आपने बोला सर ये PS1 तो पहले वो होना चाहिए 680, 680 पहले आता है, 700 बाद में आता है, तो हमारी किताब बोलती है कि इसकी पहले खोज हुई थी इसलिए इसको PS1 नाम दे दिया, 680 वाले की बाद में हुई थी तो उसको PS2 नाम दे दिया गया। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड। ओके, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हल्का होता है लाइट, और ये जो है हैवी होता है, यानी कि भारी होता है। ये थैलेकोइड की झिल्ली है, इस थैलेकोइड की झिल्ली में बाहर वाली पर होता है PS1 और अंदर वाली पर होता है PS2। तो नंबर टू, इन आउटर मेम्ब्रेन, और यह इन इनर मेम्ब्रेन। इसकी खोज जो थी, डिस्कवर्ड बाय कॉक एंड क्लैटन, और इसकी खोज जो थी, इट वॉज डन बाय बटलर। चार नंबर, PS1 जो होता है इसमें कैरोटिनॉल्स डोमिनेंट होते हैं, और इसके अंदर कैरेटिनॉइड्स डोमिनेंट होते हैं। पांच नंबर, यह अवरक्त प्रकाश में, इंफ्रारेड में क्रियान्वित होता है, एक्टिवेट होता है, और ये जो है रेड लाइट के अंदर एक्टिवेट होता है। ओके, अब जो है ये फॉस्फोराइलेशन में दो पिगमेंट सिस्टम तो मैंने बताए, लेकिन ये दोनों पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार के फॉस्फोराइलेशन शुरू होते हैं। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है
फोटो फॉस्फो राई लेशन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है चक्रीय यानी कि साइक्लिक और एक कहलाता है नॉन साइक्लिक। चक्रीय जो होता है वह हमारा P700 से प्रारंभ होता है, तो ये रहा हमारा P700। अब इसके ऊपर सूरज से एक प्रकाश तंत्र को चलाने के लिए कितने लाइट क्वांटा बताए थे मैंने, 4 लाइट क्वांटा गिर गए। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित अवस्था में आ गए, दे गॉट एक्साइटेड। तो इलेक्ट्रॉन की जो उत्तेजित अवस्था होती है एक्साइटेड स्टेज उसे क्या कहते हैं, सिंगलेट स्टेज। और जो 10^-5 टू 10^-9 सेकंड तक विद्यमान रहती है। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले, इस समय ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर पोटेंशियल जो होता है विभव जो होता है 0.4 इलेक्ट्रॉन का होता है। इस इलेक्ट्रॉन को FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ग्रहण करता है। तो ये सब्सटेंस क्या है आज तक नहीं मालूम, क्योंकि इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वो FD ग्रहण करेगा यानी कि फेरिडॉक्सिन करेगा, जिसके अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, मिनरल वाले में याद रखो। यहां पर आते आते 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है वो काम में आ जाती है। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन अब साइटोक्रोम B6 पर जाता है। जब ये यहां, अब इसने ग्रहण किया तो इसका रिडक्शन हुआ ना, इसने दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ क्या, हुआ। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर अब वो दो इलेक्ट्रॉन सब जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन पर इलेक्ट्रॉन चला गया और अब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, चक्रीय। आ गया बात समझना, यहां से चला वापस यहां आ गया। आपने बोली सर हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, मैंने कि जब ये एक बार यहां घूम रहा था तो इस जगह पर 6 ATP पैदा हुई, और एक ATP पैदा हुई और इस जगह पर भी एक ATP पैदा हुई। ये चक्र कितनी बार घूमेगा, 6 साइकिल्स होंगे, 6 बार घूमेगा। तो एक बार में 2 ATP मिली तो 6 बार में कितनी मिलेगी, 12 ATP एक ग्लूकोज को बनाने में, 12 ATP किसको बनाने में, एक ग्लूकोज को बनाने में। डन। आप तो एक चीज सीख लो, आप देखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, C6H12O6, हर जगह पर छक्का, छक्का या छक्का का गुणन। तो एक चीज सीख लो, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कोई सा भी चक्र यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज को बनाने में कितने चक्र की आवश्यकता होगी, तो आप बोल दो 6,
तो मैंने तो कह रखा है प्रकाश संश्लेषण छक्का है, यानी कि हर चक्र 6 बार घूमता है। ओके, अब ये जो चक्रीय स्थानांतरण है इसको पूरा करने के लिए फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता पड़ती है और विटामिन के की भी आवश्यकता पड़ती है। चक्रीय स्थानांतरण में जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास में जाते हैं तो कौन से प्रोसेस से जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ओके, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने चक्र घुमाने पड़े चक्रीय वाले, तो आंसर 6। एक चक्र के अंदर कितनी एटीपी निकलती है, तो आंसर 2। तो 6 में कितनी निकली, 12। ओके, अब हम आपको अचक्रीय स्थानांतरण बताने जा रहे हैं। अचक्रीय स्थानांतरण जो होता है वह P680 से प्रारंभ होता है, और यह P680 जो होता है इसी को हम लोग PS2 कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए कितने लाइट क्वांटा की आवश्यकता पड़ी थी, 4। तो ये 4 लाइट क्वांटा है, इसके ऊपर घिरे और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए यहां पर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं फियोफाइटिन। आपने बोली सर ये फियोफाइटिन क्या होता है, तो मैंने कहा कि क्लोरोफिल में से यदि आप मैग्नीशियम निकाल दोगे तो आपको फियोफाइटिन मिलेगा। चक्री मैंने वहां बता दिया, अब अचक्री में आप लोगों को यहां बता रहा हूं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में 2 इलेक्ट्रॉन निकले और वो कहाँ गए, फियोफाइटिन में। फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन पीक्यू में चले गए, पीक्यू को प्लास्टो किनोन कहते हैं। और जो ये प्लास्टो किनोन है वहां से इलेक्ट्रॉन अब डाउनहिल जर्नी करेंगे, ये भी डाउनहिल जर्नी करता है क्योंकि देखो ऊर्जा यहां पर सबसे अधिक थी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ऊर्जा के अंदर कमी होती जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनहिल जर्नी। ये भी क्या करेगा, डाउनहिल जर्नी करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और कहां पर गया, साइटोक्रोम B6 पर, फिर कहां गया, साइटोक्रोम F पर, फिर कहां गया, ये गया PC पर, और फिर ये कहां चला गया, ये घुस गया वापस किसके अंदर, चक्रीय वाले के अंदर। ओए मैंने कि यार मैंने तो सुना है कि जब पिगमेंट सिस्टम में से कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 छेद हो जाएंगे, तो उसने बोला सर मेरे तो छेद हैं अभी, वो इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं आए। तो मैंने कि अब कौन भरेगा, कि सर अब जल टूटेगा। जल जब टूटता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो निकली थी, 2 इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं, उनमें से एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, हो गया। तो ये हमारा, इसके जो छेद थे वो जल द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दिए गए। दैट इज द पोर्स विच वर क्रिएटेड इन द P680 ड्यू टू द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, नाउ दे आर फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स गिवन ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि PS1 में
जल टूटा के पीएस टू में, तो आंसर होता है पीएस टू के अंदर जल टूटा। ये हमारी नॉन साइक्लिक हो गई, यानी कि अचक्रीय हो गई, क्योंकि ये वापस घूमकर आया ही नहीं, इसमें तो घूम के चला गया। अब क्या होता है कि इस जगह पर एक एटीपी पैदा होती है और साथ में देखा जाए तो जो एनएडीपी था उसमें H2 आया। H2 कहां से आया? ये आ गया। लेकिन H2 जो होता है बेटा, वो ऐसा भी तो होता है, वो कैसे बना? इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिया या ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो इसका आंसर होता है PS1 से आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS1 आर गिवन टू इट टू प्रोड्यूस NADPH2। तो कितने NADPH2 पैदा होते हैं यहां पर? दो। मैंने कहा यार ये तो एनर्जी है, बड़ा पैकेट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP देगा। एक NADPH2 में कितनी ATP बताई थी मैंने? तीन। तो दो से कितनी मिलेगी? छह। हम इसको नहीं काउंट करेंगे, हम तो ये मान रहे हैं कि ये नॉन साइक्लिक जो है उसमें एक साइकिल से दो ATP, एक ATP प्लस दो NADPH2 पैदा हुए, हो गए। और कितने चक्र होंगे इसके भी? छह। तो छह चक्रों के अंदर छह ATP होगी और 12 NADPH2 आपको मिलेंगे, मिल गए। तो अब आप देखो कि साइक्लिक छह चक्र हुए, छह साइक्लिक के अंदर हमको कितनी ATP मिली? 12 ATP। और छह नॉन साइक्लिक के अंदर हमको 6 ATP मिली प्लस 12 NADPH2 मिले, ये रहे। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 18 ATP हो गया प्लस 12 NADPH2 हो गए। मैंने इनसे पूछा अब आप क्या करोगे? कि सर इसका उपयोग हम डार्क रिएक्शन में करेंगे। 18 ATP का ये सिलेंडर तैयार हो गया, ये आपका सिलेंडर तैयार हो गया। हमारे घर के अंदर भी जो सिलेंडर आता है तो दिन में ही आता है, तो 18 ATP भी कब बने? दिन में बनेंगे लाइट रिएक्शन में। अब उस सिलेंडर का उपयोग चाहे आप रात को करो या दिन में करो, रोटी कभी भी बना सकते हैं। यानी कि डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। डार्क का मतलब ये नहीं केवल अंधकार में ही होगा। तो दिस 18 ATP एंड 12 NADPH2 विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण के लिए हमको 18 ATP चाहिए। अब मैंने पूछा इस नॉन साइक्लिक से, ये नॉन साइक्लिक है, इस नॉन साइक्लिक को हम एक नाम देते हैं जो यहां सजा के लिखता हूं। ये जो साइकिल है जेड स्कीम वाला, इसको हम जेड स्कीम कहते हैं, क्योंकि ये जेड जैसा बना। जो किसने दिया था? बाय हिल एंड बैंडल। हिल और बैंडल ने यह काम दिया था। अब चले हम आगे कुछ और बताने के लिए। वो क्या चीज बतानी है? कि NADPH2 जो होता है उसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर, अपचायक शक्ति। और ATP प्लस NADPH2 को, ये तो हो गया तुम्हारा अपचायक शक्ति,
और एटीपी और एनएडीपीएच2 को हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, यानी कि स्वांगीकृत शक्ति। आई बात समझ में? ये रही कहानी हमारी लाइट रिएक्शन की, जिसमें हमने चक्रीय और अचक्रीय दोनों के बारे में आप लोगों को बताया। परंतु एक प्रयोग किया गया था, और एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं तापक्रम गुणांक। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापक्रम गुणांक। क्या है ये? इट इज द रेशियो बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये प्रकाश संश्लेषण की दर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापक्रम के मध्य के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तापक्रम गुणांक की बात चलती है तो हमारे पास में लाइट रिएक्शन है, हमारे पास में डार्क रिएक्शन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइट रिएक्शन का कितना होता है? एक। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मैंने बोला भाई तापक्रम का क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है? उसने बोली सर हमारे यहां तो एंजाइम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एंजाइम पर फर्क पड़ता है, एंजाइम होते नहीं है इनके अंदर। और इसका जो टीसी होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होता है 2 और 3। इट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और यहां पर एंजाइम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई? अब एक चीज और बताता हूं। हमने कहा कि जल के अपघटन से ऑक्सीजन मिलती है, वाटर के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन कहां से मिली? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां निकली? ग्रेना के अंदर। क्लोरोप्लास्ट ले लो और उसमें से ग्रेना निकाल दो, ये वाले, तो ये अकेला बचेगा, ये ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। ऑक्सीजन तो पीएच टू की वजह से निकली ना। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को निकालते हैं और एक बीकर में जिसमें हिल्स रिएजेंट है, हिल्स रिएजेंट क्या होता है? फेरोसाइनाइड। या नंबर 2 बेंजोक्विनोन। अगर आपने इसमें ये क्लोरोप्लास्ट डाल दिया, ये क्लोरोप्लास्ट डाल दिया इसमें, और साथ में ये हिल रिएजेंट भी डाल दिया आपने, तो फिर इसमें से ऑक्सीजन जो है बड़ी वह तीव्र गति से निकलती है। बात समझ आई? ऐसे ही एक यौगिक होता है, सेकंड नंबर डीसीपी आईपी, डाइक्लोरोफिनॉल
इंडोफिनॉल से O2 अधिक एवं तीव्र निकलती है। खत्म। यहाँ आकर हमारा लाइट रिएक्शन जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम लोग डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। डार्क रिएक्शन जो है उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि वह स्ट्रोमा में होता है। उसके अंतर्गत भी तीन स्टेप्स आते हैं। स्ट्रोमा में क्यों होता है? क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए समस्त एंजाइम केवल स्ट्रोमा में ही उपलब्ध होते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन जो ग्रेना के अंदर होता था वहां तो एंजाइम की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ये स्टेप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। डार्क रिएक्शन। थैंक यू।